वीरभद्र सिंह के मंडी दौरे में बीजेपी वालों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी के सांसद और विधायकों का अपमान बार बार करते रहते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भावनाएं कई बार आहत हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जंजहली में जयराम ठाकुर का अपमान किया गया, उसी तरह से सांसद राम स्वरूप का अपमान भी पहले किया जा चुका है। अभी जो वीरभद्र सिंह जी ने यहाँ पे मंडी डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया, उसमें जो इनके साथ छोटे भैया नेता हैं, वो लोग लोगों के साथ ना कभी जुड़े हैं, ना ही उन्हें जुड़ने की इच्छा रहती है। वो लेग केवल और केवल बयानबाजी की राजनीति करते हैं और एक पर्टिकुलर आदमी की परिक्रमा करते हुए ही कांग्रेस पार्टी चलती है। और वही चेतराम जी ने मुख्यमंत्री के दौरे में उस चीज़ का परिचय दे दिया और ये बात सिद्ध कर दी कि इन लोगों के पास, कांग्रेस के जो लीडर हैं, इन्हें केवल और केवल वो लोग चाहिए होते हैं जो इनके आगे पीछे घूमते रहे हैं। उन्हीं को उन्होंने चेयरमैन ये दिए जिन्होंने जिन लोगों को लोगों ने पूरी तरह से नकारा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के दौरा जो मंडी जिले का था, उसमें सराज हल्के में जो जनसभा में आदरणीय श्री जयराम जी जो वहाँ के विधायक हैं और पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, उनके साथ मंच पर जो है कांग्रेस के छुट भैये नेता चेतराम जी जो चाटुकारिता के लिए माने जाते हैं, उनके द्वारा जो अभद्र टिप्पणियाँ की गई, उसके लिए मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ। और साथ में ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह की जो हरकतें हैं, ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाती हैं। सुना आपने क्या कहा दीपक गुलेरिया और आशुतोष पाल ने? दीपक ने बताया कि चेतराम ठाकुर ने जिस तरह के अपशब्द जयराम ठाकुर के लिए प्रयोग किए, वह वाकई निंदनीय है। वहाँ पे जिस औरत ने कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन लड़ा और इतने वोट लिए, उसे तो उन्होंने पूछा तक नहीं, बल्कि जो अपना बेटा साथ घुमाया हुआ है उसको उन्होंने प्रोजेक्ट करने के लिए राजनीति की जा रही है। और रही विकास की बात, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी देख लिया जाए, जितने रोड पिछली बार जयराम जी के समय में निकले, इतने रोड 40 साल में कांग्रेस निकाल पाई क्या? इतना बड़ा जो पंचायती राज के समय में उन्होंने इंस्टीट्यूट वहाँ पे खुलवाया है, क्या वो पीछे 50 साल में खुल नहीं सकता था? और चेतराम जी अपने जिस चीज़ के वो चेयरमैन बने हैं, उसको सुधारने की तरफ अगर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सराज चुनाव क्षेत्र में जो भाजपा कांग्रेस के ऊपर जो झूठे आरोप लगा रही है, मैं इसको सिरे से खारिज करना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जहाँ भी जाते हैं, चाहे वो वहाँ जनसभा हो, चाहे कोई शिलान्यास हो, चाहे कोई उद्घाटन हो, वहाँ पर चुना हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, वो वहाँ पर उस मीटिंग में, उस जनसभा में, सरकारी कार्यक्रम में उनका जाने का जो है फर्ज बनता है। एक और पूरनचंद ठाकुर इन आरोपों को बेतुके बता रहे हैं। वहीं बीजेपी के लोगों का कहना है कि इस तरह का अपमान कांग्रेस द्वारा पहली मर्तबा नहीं किया गया, बल्कि 2015 में ही शिवरात्रि के दौरान रामस्वरूप शर्मा का भी कांग्रेस पहले अपमान कर चुकी है। और यही कांग्रेस की परंपरा है, पीछे शिवरात्रि के समय में भी जब MP महोदय यहाँ से शिवरात्रि कार्यक्रम देखने गए, तो इन्होंने उनको बिल्कुल भी मान सम्मान देना उचित नहीं समझा। इन लोगों के पास लोगों की जन भावनाओं और संवेदनाओं को समझने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, और सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं। अभी राजा साहब ने अपने बेटे को आगे के लिए लॉन्च करना है, उसके लिए उसे साथ घुमा रहे हैं और उसी के लिए दौरा रखा गया है। बाकी ये वोटों की राजनीति से आगे कुछ कभी सोच ही नहीं सकते हैं। ऐसी ही घटना पूर्व में भी, जब हमारे सांसद रामस्वरूप शर्मा जी शिवरात्रि के समय आए थे, तो कांग्रेसियों द्वारा उनका अनादर करके की गई थी, जो कि बहुत निंदनीय है और खेद का विषय है।
और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की होछी राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि कांग्रेस सरकार को प्रदेश की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए, प्रदेश की जो सड़कों की दयनीय हालत है उसको सुधारने के लिए कार्य करना चाहिए, ना कि छींटा कच्ची करनी चाहिए। जी हाँ, वोटों की राजनीति के आगे कुछ नहीं सोच सकते। इस तरह की राजनीति कांग्रेस को शोभा नहीं देती, क्योंकि कांग्रेस ने शिवरात्रि के दौरान इस तरह की हरकत पहले भी कर दी, यह कहना है बीजेपी वालों का। चेतराम ठाकुर ने जयराम ठाकुर को बिन बुलाए मेहमान कहा, तो शिवरात्रि में रामस्वरूप शर्मा को बुलाया ही नहीं गया, और जब सांसद आए तो कांग्रेस उनका सम्मान करना ही भूल गई, यह आरोप बीजेपी वाले कांग्रेस पर लगा रहे हैं। यहां हम भी कहेंगे कि अगर कांग्रेस ऐसा कर रही है तो वह सरासर गलत कर रही है। बहरहाल विशेष में इतना ही, परी शर्मा को दीजिए इजाजत, आतिक रहिए।